गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नीतू स्वीट होम में। तो अभी मॉर्निंग का 4 बज रहा है और 4 बजे हर रोज़ की तरह आज भी उठ गए हैं, लेकिन आज जल्दी जल्दी उठ के सारा काम करके और मुझे कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? मुझे मायके जाना है छठ की तैयारी करने। हेलो फ्रेंड्स, तो सब कैसे हो? मैं बढ़िया चकाचक, आप भी बढ़िया चकाचक ही होंगे। तो आज हम निकल गए हैं, मोबाइल छूट गया था इसलिए हम निकलते समय वीडियो नहीं बना पाए। तो मोबाइल छूट गया था, निम्मी के पापा रास्ते में लेके आए मोबाइल आधा रास्ता, तो फिर मोबाइल हाथ में आया तो अब स्टार्ट किए वीडियो। तो हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग देखना, ये है रास्ते का व्यू, बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए थोड़ा सा ले लिए। और अब पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। किसी को वही तो, अरे तो कैसे लेके जाएं, गंदा कर देगी पूरा। अरे अब तो पहुंच ही गए, चलो ना, पेपर नहीं ना डाला, पहले ही पेपर डाल देना पेपर चाहिए था ना। क्या होगा, क्या पानी होगा? डायपर पहनाने ला सकती है चिंकी को, डायपर पहनाने के लिए बोल रहा है वो। चिंकी पीछे लेके आई है निम्मी, अपना चिंकी को नहीं छोड़ती मेरा गाड़ी है। तो अब आ गए हैं, पहुंचने ही वाले, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 घंटा का रास्ता है और पहुंचने वाले ही हैं, पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं। तो पहुंच गए हैं अब, और पहुंचने के बाद सबसे पहले चाय पियेंगे, क्योंकि वहां हम अपने घर में चाय भी नहीं बना के पिए थे, बस नहाए थे, पूजा किए थे और निकल गए थे हड़बड़ में। तो आप लोग देख ही सकते हो अच्छे से तैयार भी नहीं हुए, जैसे तैसे निकल गए, क्योंकि मुझे आना था यहाँ जल्दी आज। और आने के बाद अब हम आटा गूंथ के रख दिए हैं, रोटी नहीं बनाए, सिर्फ गूंथ के रख दिए हैं, नाश्ता नहीं बना था, सुबह सुबह ही आए हैं ना, तो अभी नहीं कुछ बनाया। और अब हम कपड़ा निकाल रहे हैं, कपड़ा निकालने के बाद अब जाएंगे स्नान करने। स्नान तो वैसे सुबह कर लिए थे लेकिन फिर से करेंगे दोबारा, मम्मी को बंद करने ही नहीं आता। फिर हम आज हम धोने सुखाने वाला काम आज ही कर लेंगे। तो धोने सुखाने वाला काम नहा खा के एक दिन पहले कर लेने से आराम होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि आधा टाइम मुझे आज भी लगेगा, आधा कि नहा धोना सुखाना, उसके बाद उसको उठाना पीसना, ये सब सारा आज ही कर लेंगे। तो नहा खा के दिन थोड़ा अच्छा रहता है, जल्दी से सुबह सुबह बनाओ खाओ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर 3 दिन उपवास रहता है ना फास्ट, तो 3 दिन फिर चाय भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, तो इसलिए एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो एक दिन पहले ही हम कर लिए ये सब धोने सुखाने वाला काम, गेहूँ धोए, छत धोएँ, उसके बाद सूखने के लिए डाल दिए, और जब तक गेहूं में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से चून चान के उसको सुखा लिए, और जब तक गेहूं सूख रहा है तब तक इधर जाँता भी धो लिए, क्योंकि खड़ना वाला सारा चीज़ हम जाँता में ही पीसते हैं, गेहूं चावल सब खड़ना वाला, और खोद खोद के जाँता धोना पड़ता है। ये न्यू स्क्रबर ले लिए थे, लोहा वाला जाली वाला जो होता है ना वही, और इससे अच्छे से धुल गया। तो ये सब करने के बाद फिर हम, जब तक मेरा चावल और गेहूँ सूख गया था, पीसने लायक हो गया था जाता में, तो उस चावल पहले पीस ले रहे, उसके बाद फिर हम गेहूँ थोड़ा सा पीसेंगे, बस खड़ना के लिए जाता में पीसते हैं। वैसे अवेलेबल है जाता तो पीस लेते हैं, नहीं तो फिर मिल का भी पिसा हुआ सब लगाते हैं, मिल को भी आज ही के दिन धो के और मिल वाले भैया सुखाते हैं। तो ये सब काम एक दिन पहले हो जाता है तो अच्छा होता है। तो ये है नहा खा के दिन, नहा खा के दिन भी सुबह स्नान उस्नान हो गया था, उसके बाद उस दिन हम क्या क्या किए थे आप लोग देखिए। और नहा खा के दिन ना पीली साड़ी पहनना, ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए पीली साड़ी पहनना, पीला तिलक लगाना और पीला सिंदूर भी मांग में पीला ही लगाना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो स्नान हो गया, आज है नहा खा, नहा खा तो सबसे पहले तो जाएंगे चाय पियेंगे और उसके बाद फिर खाना बनेगा, तो जल्दी जल्दी से खाना बनाएंगे, फिर देखिए आप लोग कैसे कैसे क्या करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हंसते हंसते और उसके बाद हम आ गए थे चाय बनाने के लिए और अपना चाय बना के पी लिए आज। तो बिना नहाए आज नहीं रसोई में घुसना है और बिना नहाए ना ही कुछ बनाना है और खाना है। तो आज का छठ का प्रसाद का शुरुआत आज से ही हो जाता है, नहा खा से ही। तो आज जरूरी होता है साग लौकी का सब्जी और चना दाल और अरवा चावल का भात, और जितना भी चीज़ बनेगा सारा चीज़ सेंधा नमक में बनता है और किसी चीज़ में नहीं बनता है, ये नमक नहीं पड़ता है, सिंधा नमक शुद्ध शाकाहारी माना जाता है, और बिना लहसुन प्याज का, लहसुन प्याज भी नहीं रहेगा किसी चीज़ में नहीं। तो छठ हो जाता है धोया को ही धो और फिर साफ़ किया को ही फिर से साफ़ करो, ऐसा हो जाता है, और छठ में जितने भी लोग हैं कम पड़ जाते हैं काम करने में।
तो ये सब तो सब्जी वब्जी काट लिए थे, और मसाला भी आज मिक्सी में नहीं पिसाएगा, लोढ़ी सिलौटी में पिसाएगा मसाला। जो भी चीज़ पीसना है आज लोढ़ी सिलौटी में ही पिसाएगा, मिक्सी यूज़ नहीं करते क्योंकि मिक्सी में कहीं ना कहीं लहसुन वहसुन फंसा रह जाए। तो प्रसाद तो हमारा बन गया था, और जो बर्तियाँ होती हैं मतलब जो छठ करती हैं वो सबसे पहले प्रसाद खाएंगी आज का नहा खा का, तो फिर घर में और कोई खाएगा तो सबसे पहले वही खाती हैं, तो सबसे पहले हम खा ले रहे हैं, उसके बाद फिर कोई खाएगा। तो फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना।